सत्ताधारी पार्टी यानी कि बीजेपी में आज कुछ युवाओं ने आस्था जताते हुए पार्टी को ज्वाइन कर लिया। बीजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष दुष्यंत भट्ट ने पटका पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। उनका कहना है कि युवाओं को पार्टी में लाकर पार्टी और मजबूत हुई है और पूरा मान सम्मान जो है इन युवाओं को दिया जाएगा। आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि दुष्यंत भट्ट जो है पटका पहनाकर इन युवाओं का स्वागत कर रहे हैं और इन्हें भरोसा भी दिला रहे हैं कि आप बीजेपी पार्टी में सेफ हैं और बीजेपी पार्टी युवाओं की पार्टी है और युवाओं से मिलकर जो है हम लोग एक और मिशन जो है तैयार करेंगे। क्या कहना है दुष्यंत भट्ट का, आपको सीधा लाइव तस्वीरों में दिखाते हैं। आज एक तो भारतीय जनता पार्टी हमारे यूथ विंग के अंदर काफ़ी बच्चे बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, तो उसकी जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया था। अभी भारतीय जनता पार्टी जिला पानीपत ने अपने दो महामंत्री जो हैं हमारे, उन दोनों महामंत्रियों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स हमने दिए हैं। जो हमारी चार विधानसभा है, चार विधानसभा में दो विधानसभा हमारे कृष्ण छोकर जी देखेंगे। कृष्ण छोकर जी के पास समालखा विधानसभा का दायित्व और उसके साथ साथ वो पानीपत ग्रामीण विधानसभा को पूर्ण रूप से वो देखेंगे, पूर्ण रूप से वो इंचार्ज उसके रहेंगे। उसके अलावा पानीपत शहरी विधानसभा और इसराना विधानसभा, इसके पूर्ण रूप से इंचार्ज हमारे रोशन लाल महाला जी जो जिला महामंत्री हैं वो इस चीज़ को देखने वाले हैं। कृष्ण छोकर जी साथ साथ में अल्पसंख्यक मोर्चा को, महिला मोर्चा को और ओबीसी मोर्चा के वो प्रभारी महामंत्री भी फुल फ्लैग इंचार्ज उसके रहने वाले हैं। रोशन लाल महाला जी हैं वो युवा मोर्चा के, किसान मोर्चा के और एससी मोर्चे के इंचार्ज, वो फुल फ्लैश इंचार्ज वो उसके रहेंगे। हमने भारतीय जनता पार्टी ने 16 के 16 मंडल, जो भाजपा के 16 मंडल हैं, उन 16 मंडलों के पूरे प्रभारी आज हमने अपने अपॉइंट कर दिए हैं, जिसके अंदर मॉडल टाउन मंडल का इंचार्ज हमारे अनिल पवार जी रहने वाले हैं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला सचिव हैं। कृष्णपुरा मंडल को हमारी डॉक्टर हेमा रमन जी देखने वाली हैं, जो कि हमारे जिला के उपाध्यक्ष हैं। तहसील कैंप अनिल मदान जी रहेंगे। शहरी उत्तर में तेजवीर बिट्टू जी रहेंगे। शहरी दक्षिण फिर हमने अनिल मदान जी को दिया है, जो कि हमारे जिला के उपाध्यक्ष हैं। और बिचपड़ी मंडल के अंदर हमारी कोमल सैनी जी हमारे जिला की सचिव हैं, वो देखेंगी। बगैल मंडल राजेंद्र हल्दाना जी जो हमारे उपाध्यक्ष हैं। सिभा मंडल श्री सुभाष कुहाड़ जी। समालखा शहरी श्री सुनील पढ़ाना जी। समालखा ग्रामीण सुनीता गोयल जी जो हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश की सचिव हैं, वो इस चीज़ को देखेंगे। चुलकाना धाम श्रीमती अमिता शर्मा जो समालखा से पार्षद भी हैं और हमारे जिला में सचिव भी हैं। बापोली मंडल श्री सुनील कंसल जी हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं और अभी जिला में वो सचिव अपॉइंट हुए हैं। सनोली के अंदर श्री राजेंद्र हल्दाना जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, राजेंद्र हल्दाना जी को बगैल मंडल का भी अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। इसराना में श्रीमती ज्योति शर्मा जो हमारी चेयरमैन है। मतलोडा में श्रीमती ज्योति प्रमोद देखेंगे और थर्मल के अंदर श्री प्राण रत्नाकर जी इन चीज़ों को देखेंगे। ये संगठन का विस्तार करते हुए हमने इन चीज़ों को एक डिवाइड किया है कि हर मंडल का इंचार्ज बनाया है और चारों विधानसभाओं में दो महामंत्रियों की अपॉइंटमेंट करी है, जो महामंत्री प्रभारी महामंत्री के नाते उस चीज़ को देखने वाले हैं, ये हमने आज अपॉइंट किया है। देखो अभी कुछ साथी इंडिविजुअल भी हैं, कुछ साथी किसी पार्टी विशेष से भी जुड़े होंगे, कुछ सामाजिक संगठन भी हैं जो पहले सामाजिक संगठन चल रहे हैं, उन सामाजिक संगठनों के साथ साथ वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। कितने लोगों की संख्या है अभी मैं देख रहा हूँ, 50 के करीब की संख्या है, 50-60 के करीब की संख्या है जो यूथ की है और अलग अलग ये क्षेत्र के अलग अलग नेता हैं। बहुत सारे लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करी है और बहुत सारे लोगों का एक माहौल बना हुआ है। आज पूरा देश भाजपा में है और चारों तरफ भाजपा ही भाजपा हो रही है और भाजपा के अलावा कोई और विकल्प समाज नहीं नजर आ रहा, इसलिए लोगों अपने अपनी स्वेच्छा से बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। उनका बीजेपी में हम हृदय से स्वागत भी कर रहे हैं और उनके साथ मिलकर इस देश के नव निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका हम सब निभाने वाले हैं। वो तो जनता उनको पहले भी दिखा चुकी है, कांग्रेस को उसका आईना भी दिखा चुकी है और कांग्रेस का कोई स्टेटस कोई स्तर बच नहीं रहा। कांग्रेस बापू बेटा एंड संस प्राइवेट लिमिटेड से ज़्यादा कुछ है नहीं। कांग्रेस तो एक परिवार की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी संस्कारों की पार्टी है, विचार की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की नहीं, एक विचार पर चलने वाली पार्टी है।
देखो ये विषय एक संवेदनशील विषय है और इस विषय को मैं छोड़ना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये एक मतलब इस विषय पर हमारे बड़े नेता ही मतलब अधिकृत हैं जो बातचीत करेंगे, क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि सभी को देश हित में काम करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कुछ नियुक्तियां जो है वो भी की गई हैं। दुष्यंत भट्ट ने बताया कि किस किस नेता को क्या क्या जो है नियुक्ति दी गई है, इसके बाद ज्वाइनिंग हुई है और ज्वाइनिंग में जो युवा आए हैं उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। बीजेपी की नीति में तो कोई फर्क ही नहीं है, नीति और करनी दोनों एक ही है। बीजेपी जो पार्टी है इनके कार्य सबसे अच्छे हैं, कोई पार्टी इतने कार्य अच्छे किए नहीं है आज तक भी इतने सालों से। और बीजेपी पार्टी की धारा 370 हटाई है, कई कानून इतने जो खराब कानून थे उनको हटा के लागू करें दूसरे कानून, तो इन चीज़ों सारे साथी प्रभावित हैं, इसलिए बीजेपी पार्टी ज्वाइन करी है और आगे बढ़ाएंगे बीजेपी को। दुष्यंत बड़ा भाई, दुष्यंत जी बड़े भाई हैं मेरे और साथ मिलकर करेंगे काम सारे। आपके कितने लोगों ने ज्वाइन करें आपके साथ? मिनिमम अभी तो ज्वाइनिंग और हो रही है, ज्वाइनिंग चल रही है, मिनिमम 500-700 लड़के अभी ज्वाइन कर देंगे, फिर उनके साथ साथ रोज रूटीन में चलते रहेंगे ज्वाइनिंग के लिए। भाजपा तो वैसे ऑलरेडी अच्छे काम कर रही है, लेकिन अब जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं किस प्रकार से आगे लेके जाएंगे? और अच्छे काम करेंगे, एक ही मोटिव है, अगर अच्छे काम करिए तो और अच्छे काम करेंगे। तो फिलहाल नव नियुक्त जिला अध्यक्ष जोश में है, एक्शन में है, उनका ये कहना है कि पार्टी में लोगों का स्वागत है, जो भी पार्टी में आना चाहें उन्हें पूरा मान सम्मान मिलेगा और साथ ही पार्टी के साथ जुड़कर जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत जो है दुष्यंत भट्ट कर रहे हैं। आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह।